मूवी स्ट्राइप प्रस्तुत कर रहा है नॉट विदाउट माई डॉटर। डायरेक्टर है ब्रायन गिलबर्ट और आईएमडीबी रेटिंग 6.4 है। आज की ये मूवी हमारे प्यारे सब्सक्राइबर संगीता जी के रिक्वेस्ट पे है। मुख्य किरदार बेटी महमूदी ने इसी नाम से किताब भी लिखी है और ये मूवी उन्हीं की आत्मकथा पर आधारित है। आपसे अनुरोध है कि आप इस मूवी को उन्हीं की जीवनी समझकर सुने। हम किसी भी जाति या धर्म के भेदभाव को बढ़ावा नहीं देते। अल्पेना मिशिगन साल 1984 की एक खुशनुमा सुबह, जहां एक हंसता खेलता परिवार रहता है, मूडी उसकी बीवी बेटी और बेटी महतोब। छुट्टी की एक सुबह बेटी के पेरेंट्स आए हुए हैं। मूडी अपनी बेटी महतोब को मछली पकड़ना सिखा रहा है। एक अच्छा दिन पूरा परिवार साथ गुजार रहे हैं। मूडी महमूदी एक ईरानियन फिजिशियन है, लेकिन पिछले 20 साल से यूएसए में रह रहा है और एक अमेरिकन से शादी हुए 7 साल हो चुके हैं, पर आज भी हॉस्पिटल में अमेरिकन फिजिशियंस द्वारा उसका मजाक उड़ाया जाता है, बुरा भला कहा जाता है, जो उसे कभी कभी तोड़ कर रख देता है। बेटी भी इस चीज़ से नाराज है, दुखी है। जब वो मूडी को एक्सेप्ट करती है तो बाकी क्यों नहीं कर सकते। अब यहाँ रात में मूडी महतोब को अलादीन की कहानी सुना रहा है। बीच में महतोब ने पूछा, मेरी दोस्त कहती है कि मुझे अमेरिकन से नफरत है क्योंकि आप ईरान से हैं, क्या मुझे अमेरिकन से नफरत करना चाहिए? मूडी उसे बड़े प्यार से समझाता है, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी दोस्त नादान है, जितनी वो अमेरिकन्स हैं उतने ही मैं और तुम भी हो। इतने सालों से घर नहीं गया, मूडी की फैमिली अब उस पे घर आने का दबाव डाल रहे हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार वो उन्हें टाल नहीं पाया। बेटी पर वहाँ जाने के खिलाफ है, भले ही उसकी फैमिली यहाँ आ जाए रहने, क्योंकि ईरान में माहौल सही नहीं है, युद्ध जैसी स्थिति है वहाँ, इसीलिए डरती है। मूडी के बार बार समझाने और उन्हें हर कीमत पे सुरक्षित रखने की कसम से आखिर 2 हफ्तों के लिए वहाँ रुकने को मान जाती है। अब तीनों ईरान पहुँचे, वहाँ के नियम कानून और सख्त हो गए हैं। आते ही बेटी को अबाया पहनना पड़ा। यहाँ आने के बाद सिर्फ बेटी को ही नहीं, मूडी को भी नियम मानने पड़ते हैं, जैसे एकदम सुबह की नमाज पढ़ने उठना। अब मूडी अपनी फैमिली के साथ बाहर मार्केटिंग करने आया है, तभी पुलिस बेटी की तरफ बंदूक ताने आती है नियम तोड़ने के लिए। ईरान में अभी कई मसले चल रहे हैं और हर छोटी छोटी चीज़ पे नियम सख्त हो गए हैं। मूडी बोला, उन्हें नहीं पता कि तुम फॉरेनर हो, इसीलिए सावधानी बरतो। मूडी के परिवार वाले भी उससे खफा है, इतने साल तक अमेरिका में रहकर यहाँ का सब कुछ भूल चुका है। अब रात के डिनर के बाद दोनों दिन भर की घटी घटना को दूर कर प्यार के पल बिताते हैं, हंसते हैं। फिर पता नहीं ऐसे एक साथ हंस पाएंगे या नहीं। एक शाम मूडी ने बेटी से कहा, यहाँ आने के 2 दिन पहले ही मुझे हॉस्पिटल से निकाल दिया गया था, मैंने उस वक्त नहीं बताया क्योंकि हमें यहाँ आना था। बेटी ये सुनकर हैरान और परेशान दोनों हैं, ऐसे कैसे तुम्हें निकाला जा सकता है? हम कल वापस अमेरिका जाएंगे, अच्छे लॉयर से बात करेंगे, तुम टेंशन मत लो, कोई हल ज़रूर निकलेगा। यहाँ बेटी अपना सामान पैक कर रही है, तभी मूडी के दोस्त ने आकर कहा, तुम लोग आज नहीं जा सकते क्योंकि पासपोर्ट को 3 दिन पहले अप्रूवल करवाना पड़ता है और नेक्स्ट फ्लाइट कब मिलेगी किसी को नहीं पता। बेटी को समझ नहीं आ रहा, क्या मूडी को ये बात पता नहीं थी कि उसने पहले ही पासपोर्ट का काम करवा कर नहीं रखा? बेटी बोली, ठीक है, हम एयरपोर्ट जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि हमें इस बारे में पता नहीं था, और अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ तो वही नेक्स्ट फ्लाइट का वेट करेंगे। पर अब जो मूडी ने उससे कहा सुनकर वो दंग रह गई। उसने कहा, हम कहीं नहीं जाने वाले, अब यहीं रहेंगे, मैं यहीं जॉब करना चाहता हूँ और चाहता हूँ हम सब भी यहीं ईरान में ही रहे, मैं अपनी महतोब को यहीं बड़ा करना चाहता हूँ। बेटी उसकी बातों पे यकीन नहीं कर पा रही। दरअसल मूडी उसे झूठ बोलकर यहाँ लाया था, उसका वहीं से प्लान था कि अब वो यहीं रहेगा।
पर शायद वो वापस चला भी जाता। लेकिन यहाँ आने के बाद से उसकी फैमिली दबाव डाल रही है यहाँ रहने अपने लोगों के साथ, और धीरे धीरे उस पर ये सब बातें हावी होने लगी। उसे बेटी की बातें भी अब बुरी लगती है। बेटी ने उसे समझाने की कोशिश की। महतौब वहाँ के तौर तरीके से बड़ी हुई है, अचानक ये बदलाव उसके लिए अच्छा नहीं होगा। हम हर छुट्टी में यहाँ समय बिताने आएंगे, लेकिन यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकते, मूडी बोला। ये मैं हम सब के लिए कर रहा हूँ। और जब बेटी ने विरोध किया तो उसने उसे थप्पड़ मारकर चुप करवा दिया। बेटी ने उसकी फैमिली को भी बहुत समझाने की कोशिश की, रो रो कर उनसे विनती की कि उन्हें वापस जाने दिया जाए, वो बस यहाँ मिलने आए थे, मूडी ने झूठ बोला है। लेकिन कोई फायदा नहीं, बेटी एक कमरे में कैद होकर रह गई। उसके पेरेंट्स तक से उसे बात करने की इजाज़त नहीं। मूडी उसके लिए कमरे में खाना लेकर आया और उसे दोबारा समझाता है, पर बेटी ये मानने को तैयार नहीं है। एक दिन बेटी किचन में है और फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से उसकी माँ की आवाज़ आई। उसे इतनी सुकून मिली उनकी आवाज़ को सुनकर। उसकी माँ बोली, कुछ कहो मत, बस सुनो। वहाँ कहीं भी अब US एम्बेसी नहीं है, लेकिन स्विस एम्बेसी पे कॉल करके अमेरिकन इंटरेस्ट सेक्शन का पूछना, वहाँ से तुम्हें मदद मिलेगी। और एम्बेसी का नंबर बताते ही मूडी वहाँ पहुँच गया और उसने फ़ोन छीन ली। अब मौका देखकर चुपके से बेटी उसी स्विस एम्बेसी नंबर पे फ़ोन लगाती है। वो धीमे धीमे कहे जा रही है, मुझे यहाँ बंदी बनाकर रखा गया है, मदद चाहिए। लेकिन कुछ भी ठीक से सुनाई नहीं देने की वजह से उन्होंने फ़ोन रख दिया। बड़ी मुश्किल से तो उसने सबसे छुपकर फ़ोन लगाया था। शाम को मूडी उस पर चिल्लाता है, किसको फ़ोन लगाया था तुमने? मत भूलो तुम मेरे घर पर हो और यहाँ हर एक तुम पे नज़र रखा हुआ है। अब एक दिन किसी तरह घर से भागकर बेटी स्विस एम्बेसी पहुँची। उसके दिल को सुकून मिला कि अब वो घर जा सकती है, उसे अब कैदी जैसा नहीं रहना होगा। जब तक कोई बंदोबस्त नहीं होता वो यहीं एम्बेसी में रह सकेगी। बहुत खुश है वो, पर ये सुकून बस नाम भर के लिए थी। ऑफिसर बोली, तुम यहाँ नहीं रह सकती, तुमने ईरानियन से शादी की है तो कायदे से तुम भी एक ईरानियन हुई। बेटी ने कहा, मैंने शादी ज़रूर की है लेकिन मैंने अपनी अमेरिकन सिटीजनशिप कभी नहीं छोड़ी, और मेरी बेटी भी एक अमेरिकन सिटीज़न है। एक ईरानियन से शादी के बाद तुम एक ईरानियन ही कहलाओगी, और यहाँ औरतों के लिए कानून सख्त है, तुम अपने पति के रिटन परमिशन के बिना कहीं नहीं जा सकती, और अगर तुम उसे डाइवोर्स देती हो तो बच्चा सीधा हस्बैंड को मिल जाता है। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूँगी। अब वो क्या करे, किससे मदद मांगे, यहाँ तो किसी को जानती भी नहीं, अलग देश अलग कानून। अब वो घर पे क्या बोलेगी कि कहाँ गई थी? तो उसने अपनी बेटी से कहा, अगर डैडी पूछे तो कहना हम टहलने निकले थे और रास्ता भटक गए। लेकिन घर घुसते ही मूडी गुस्से में उसे मारने लगा, अगली बार ऐसा कुछ किया तो तुम जिंदा नहीं बचोगी। बेटी डरी हुई है, वो रो रही है, उसके हाथ कांप रहे हैं। डर डर कर कुछ महीने और गुजर गए और महतौब के जन्मदिन का दिन आया। आज के अरेंजमेंट्स और गिफ्ट्स के लिए उसने मूडी को शुक्रिया कहा और कहा, मैं भी अब कोशिश करना चाहती हूँ, मैं हम तीनों को खुश देखना चाहती हूँ जैसा कि थे हम, क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे? ये सुन मूडी खुश हो गया और उसने बेटी को गले से लगा लिया। फिर बेटी बोली, पर हम यहाँ नहीं रह सकते, तुम्हारी बड़ी बहन मुझे खास पसंद नहीं करती, हम ममाल और नसरीन के यहाँ रह सकते हैं, वो अभी अभी माँ बनी है, मैं उसके बच्चे की देखभाल भी कर दिया करूँगी। मूडी ने हाँ कर दी, बेटी मान गई है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन यहाँ भी वही नियम लागू होंगे उसके ऊपर। कुछ दिन और बीत गए,
आज उनके यहाँ एक बड़े इज्जतदार मौला साहब आने वाले हैं। शायद वो मूडी को किसी अस्पताल में नौकरी दिलवा सके। बेटी ने अपने हाथों से ईरानियन खाना बनाया है, जो कि उन्हें बेहद पसंद आया। वो उसे कुरान क्लासेस लेने को कहते हैं, जो इंग्लिश में भी पढ़ाई जाती है। बेटी ने इससे पहले भी कुरान पढ़ने की कोशिश की है। अब कुछ भी करने से पहले उसे उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। उसने अपनी बेटी से कहा, जब भी तुम डैडी के साथ बाहर जाओ तो उनसे सवाल पूछना, टैक्सी, बसेस के रास्ते, उनके भाड़े के बारे में, किस साइन का क्या मतलब है, वो किस लिए है, सब कुछ। और फिर ये सब तो मुझे सिखाना। इधर कुछ कुछ फारसी शब्द बेटी भी नसरीन से सीखने की कोशिश कर रही है। एक दिन बेटी को बाहर जाने का मौका मिला और वो ये मौका नहीं गंवाना चाहती। उसने बाज़ार में एक टेलीफोन बूथ देखा है। वो नोट के बदले चिल्लर मांग रही दुकानों से। तभी एक दुकानदार ने कहा, तुम अमेरिकन हो। उसने उसे अपने दुकान का फ़ोन इस्तेमाल करने दिया। बेटी की बातें सुनकर उसे समझ आ गया कि वो एम्बेसी से बात कर रही है। उसका बेटा टेक्सास यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था, लेकिन युद्ध में वो मारा गया। बेटी ने उसे शुक्रिया कहा। वो बोला, तुम कभी भी ये फ़ोन इस्तेमाल कर सकती हो। अगली बार जब वो बाज़ार गई तो उसी दुकानदार ने उसे एक औरत से मिलवाया। उसका नाम नसीमी है। वो बोली, मेरा भाई हुसैन ने तुम जैसे कई लोगों की मदद की है, तुम्हारी भी करेगा, लेकिन इसमें बहुत खतरा है। अगर तुम अपनी बेटी के साथ पकड़ी गई तो तुम्हें भागने के जुर्म में मार भी दिया जा सकता है। बेटी तलाक लेकर अपने देश जा सकती है, लेकिन वो महातौप को यहाँ छोड़कर नहीं जाएगी। नसीमी ने पर्चे में अपना नंबर देते हुए कहा, इसे याद कर लेना, अपने पास मत रखना प्लीज़। घर आकर बेटी ने देखा कि महातौप की हालत ख़राब है। उसे ईरानियन स्कूल में भर्ती किया गया है और आज पहला दिन था। सारा दिन वो बस रोती रही। इसीलिए स्कूल वालों ने कहा है कि कल से बेटी को स्कूल में रहना होगा, जब तक कि महातौप की क्लासेस ख़त्म ना हो जाए। अब यहाँ स्कूल की औरतों को बेटी से हमदर्दी होती है। वो उसे टेलीफोन तो यूज़ करने नहीं देती, लेकिन उसे स्कूल लेट आने की इजाज़त देती है। यानी वो सुबह की बजाय 11 बजे के बाद आ सकती है। और यही समय वो हुसैन और नसीमी से मिलती है, जहाँ वो उसके भागने का प्लान बना रहे हैं। एक दिन स्कूल में मूडी उनसे पहले पहुँच गया, और जब बेटी महतौप को लेकर स्कूल पहुँची तो वो उसे वहीं मारने लगा और अपने साथ ले गया। पर मौका मिलते ही वो उसे चकमा देकर भागी और सीधा एम्बेसी फ़ोन लगाती है। ऑफिसर के साथ वो वापस स्कूल आई महतौप को अपने साथ ले जाने। उसका पति उसे मारने की धमकी दे रहा है, पर स्कूल वाले उसे महतौप को नहीं ले जाने देते। वो रोती है, चिल्लाती है, इतने हाथ पैर मार रही है, लेकिन कुछ भी नहीं बदल रहा। एक बेबस और कमज़ोर इंसान, और कोई रास्ता नहीं, उसे मूडी के साथ ही वापस जाना पड़ा। अब वो अपनी बेटी को समझा रही है, महतौप किसी के भी सामने मुझसे भी एम्बेसी या हुसैन की बात नहीं करना, नहीं तो हम कभी घर नहीं जा पाएंगे। क्योंकि वो जानती है आज नहीं तो कल मूडी महतौप से ज़रूर चीज़ें निकलवाने की कोशिश करेगा। महतौप बोली, मम्मी प्लीज़ मुझे छोड़ के कहीं मत जाना, मुझे आपके साथ रहना है। बेटी ने उसे सीने से लगा लिया और कहा, मैं कभी नहीं छोड़ सकती तुम्हें मेरी जान। अगले दिन मूडी महतौप को लेकर अपनी बहन के पास चला गया। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसने एक ना सुनी और उसे घर में बंदी बना दिया। जिसका डर था वही हुआ। मूडी महतौप से पूछता है, बेटा महतौप, मम्मी तुम्हें कहाँ कहाँ लेकर जाती है, कल स्कूल आने में लेट क्यों हो गया था? महतौप बोली, हम रास्ता भटक गए थे। गुस्से में मूडी उस पर भी चिल्लाने लगा, तभी उसकी बड़ी बहन आकर उसे ले गई। दिन गुजरने लगे। वो बस राशन पानी देने बेटी के वहाँ आता और दोबारा ताला लगाकर चला जाता।
एक रात घर के पास ही बॉम्ब गिरा। बेटी को उस वक्त भी महतौब का ही ख्याल आ रहा। उसे कुछ हुआ तो नहीं? महतौब, महतौब। आधी रात मूडी महतौब को लेकर वहाँ आया और उसे साथ ले गया। अब इस हादसे को 6 महीने बीत गए और एक बार फिर महतौब का जन्मदिन आया। इन 2 सालों में उसने बहुत कुछ देख लिया, समझ लिया, यहाँ तक फारसी बोलना भी सीख लिया। लेकिन मौका मिलते ही वो हुसैन से मिलती। उसने बताया उसके जाने का सारा इंतज़ाम हो चुका है, इस क्रिसमस तक तुम अपने घर पे होगी। बड़ी अजीब बात है, एक ज़माने में पर्शिया को जन्नत कहा जाता था। जन्नत शब्द पर्शिया से ही आया है, पर आज के दौर में जो इस देश में हो रहा है, विश्वास करना भी मुश्किल हो चुका है। क्रिसमस आ गया, लेकिन वो अब भी वही है। जिस रास्ते से उनका जाना तय हुआ था, वहाँ जाना अभी खतरनाक है, इसीलिए रास्ता बदला गया। अब उनकी 29 जनवरी को फ्लाइट है। इसी बीच खबर आई कि उसके पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और उसे घर बुला रहे हैं। मूडी ने उसे जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन महतौब यहीं रहेगी और वो चाहता है कि वहाँ उसके नाम पर जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसे बेच डाले। वो अपने पैसे वापस चाहता है। जब उसने हुसैन से कहा कि वो अपने पेरेंट्स को देखकर वापस आ जाएगी, तो उसने बताया अगर एक बार चली गई तो दोबारा घुस पाना मुश्किल है, और तुम महतौब को मूडी के पास छोड़कर नहीं जा सकती। यहाँ मानना है कि लड़की 9 साल की उम्र में ही शादी के लायक हो जाती है और कई केसेस में ज़बरदस्ती शादी भी करा देते हैं। मूडी और उसके परिवार वाले तुम पे भरोसा करने लगे हैं, बस एक हफ्ते की बात है, प्लान के मुताबिक चलो। मगर घर आकर मूडी ने बताया कि उसकी 26 जनवरी की फ़्लाइट बुक हो गई है। जब उसने कहा कि पासपोर्ट अप्रूवल में 3 दिन का जो समय लगता है उसका क्या, तो मूडी बोला सब इंतज़ाम हो गया है, तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। वहाँ जाओ, अपने पेरेंट्स को देखो और मेरे सारे प्रॉपर्टी के पैसे यहाँ ट्रांसफ़र करो। अगर कोई चालाकी दिखाए तो फिर कभी महतौब से मिलने नहीं दूंगा। कल 26 तारीख है, उसे फ़्लाइट पकड़नी है, परिवारजन उससे मिलने आए हैं। जाते वक्त मूडी को क्लिनिक से एक इमरजेंसी फ़ोन आया और वो निकल गया। इधर घर पे नसरीन और मूडी की बड़ी बहन टीवी देख रहे हैं। बेटी बोली बाज़ार से मुझे पापा के लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदना है, 20 मिनट में लौट आऊँगी। उसने इजाज़त दे दी। महतौब को लेकर बेटी निकल गई। बस अब यही एक मौका है उसके पास भागने का, नहीं तो वो कभी महतौब के साथ अपने घर नहीं जा पाएगी। उसने हुसैन को फ़ोन लगाया कि आज ही उसे कैसे भी करके निकलना है, वो और इंतज़ार नहीं कर सकती। बताए पते पे बेटी पहुंची और उसे सबसे पहले मूडी को फ़ोन करने को कहा गया, ताकि उसे थोड़ा उलझा कर रख सके और उन्हें दूर निकल जाने का मौका मिल पाए। उसने मूडी से कहा कि वो उससे अब अकेले नहीं, अपने लॉयर के साथ कल सुबह 12 बजे मिलेगी, ताकि उसके दिमाग में ही ना आए कि वो आज ही महतौब को लेकर भाग रही है। लेकिन वो अभी इसी वक्त निकलेगी। हुसैन ने उसे जल्दी जल्दी सारी प्लानिंग बताई। उसे टर्की के रास्ते से जाना होगा और टर्की की राजधानी अंकारा में उसे US एम्बेसी मिलेगा। पेपर वर्क पूरा नहीं हो पाया, लेकिन वो तुम्हें वापस नहीं भेजेंगे। और हाँ, याद रहे तुम अमेरिकन हो, ये किसी को पता ना चले। उसने उसे सलामत सफ़र की दुआएं दी। अब एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी, एक चेकपोस्ट से दूसरे चेकपोस्ट पार कर रहे हैं। ये सफ़र खतरनाक भी है और कठिन भी, लेकिन ये उसकी आज़ादी का सफ़र है। धूल, मिट्टी, गर्मी, पत्थर, पर्वत, रात और दिन का सफ़र तय कर आखिर वो पहुंची टर्की के सरहद पे। इतनी शांति और इतना सुकून का एहसास आज उसे पहली बार हुआ जब उसे अमेरिका का लहराता झंडा नज़र आया और उसने कहा हम घर पहुंच गए। 9 फरवरी 1986 बेटी वापस अपने परिवार से मिली, लेकिन उसके पापा गुजर चुके थे। बेटी एक सक्सेसफुल ऑथर है
और ऐसी मुसीबत में फंसे लोगों की मदद भी करती है। नॉट विदाउट माई डॉटर 1991 में पब्लिश्ड हुई थी और इसी की कंटिन्यूशन में माई नेम इज महातोप बुक 2015 में पब्लिश्ड हुई, जिसे खुद। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर लें। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।